हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल कुक विद अर्शीना। आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ चिकन स्ट्यू की रेसिपी शेयर करने वाली हूँ। ये चिकन की बहुत ही इजी रेसिपी है और बहुत जल्दी बनकर भी तैयार हो जाती है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक कढ़ाई में मैंने यहाँ पर एक कप तेल ले लिया है। इसके बाद हम इसमें कुछ खड़े मसाले लेंगे, जिसमें मैंने लिया है 1 चम्मच जीरा, 3 तेज़पत्ता, 2 दालचीनी का टुकड़ा, 8 से 10 यहाँ पर मैंने काली मिर्च ली है, 2 लौंग और 4 से 5 हरी इलायची इसमें डाल देंगे। जब पूरा खड़ा मसाला हमारा अच्छे से एरोमेटिक हो जाएगा, इसके बाद मैंने इसमें 4 लार्ज साइज़ की प्याज ले ली थी, इनको मैंने स्लाइस कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे और इसको 5 से 7 मिनट तक इसी तरह से फ्राई करेंगे, जब तक कि हमारी प्याज जो है वो अच्छे से सॉफ्ट नहीं हो जाती। देखिए प्याज हमारे यहाँ पर सफ़ेद होनी शुरू हो गई है। इसके बाद यहाँ पर मैंने 1 किलो चिकन ले लिया था, छोटे छोटे पीसेस में इसको कट कर लिया था, वो इसमें डाल देंगे और इसको भी प्याज के साथ डालकर इसी तरह से 4 से 5 मिनट तक पका लेंगे। इसके बाद में इसमें 1.5 चम्मच नमक डाल दूंगी और 2 चम्मच अदरक लहसुन की पेस्ट, फ्रेश पेस्ट यूज कीजिएगा आप इसमें। और इसको भी अच्छे से चिकन के साथ डालकर अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। ये चिकन यहाँ पर हमारा वाइट होना शुरू हो गया है। इसके बाद इसमें जितना भी पानी था वो भी सारा सुखा लेंगे हम। इसके बाद हम इसमें सूखे मसाले डालेंगे, जिसमें मैंने लिया है 2 चम्मच धनिया पाउडर, 1/2 चम्मच हल्दी पाउडर, 1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर और 1 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर और 1/2 चम्मच गरम मसाला पाउडर, ये भी इसमें डाल देंगे और इसको भी चिकन के साथ डालकर अच्छे से मिला देंगे। मसालों को हमें मीडियम फ्लेम पर ही डालकर इसमें अच्छे से पकाना है, नहीं तो हमारा मसाला जो है वो जल सकता है। मसाला अच्छे से भुन जाने के बाद यहाँ पे मैंने इसमें 1 कप दही ले ली थी, वो इसमें डाल देंगे। दही को भी चिकन के साथ डालकर अच्छे से भून लेंगे। दही डालने के बाद हमें फ्लेम जो है वो फुल कर लेनी है और फुल फ्लेम पर ही अपने चिकन को पकाना है। इसके बाद यहाँ पर मैं इसमें 5 साबुत लाल मिर्च डाल दूंगी और 3 मीडियम साइज़ के टमाटर, इनको मैंने स्लाइस कर लिया था। इसको भी चिकन के साथ डालकर अच्छे से फुल फ्लेम पर ही पकाना है। टमाटर को हो सके तो एकदम बारीक बारीक ही स्लाइस करेंगे, इससे आसानी से गल जाते हैं। दो से तीन मिनट तक चिकन को इसी तरह से पकाने के बाद इसमें मैंने यहाँ पर 8 हरी मिर्च ले ली थी, इनको मैंने स्लिट कर लिया था और 2 इंच का यहाँ पर मैंने अदरक का टुकड़ा ले लिया था, इसको मैंने जूलियंस में कट कर लिया था, वो भी इसमें डालकर चिकन के साथ अच्छे से मिलाते हुए पका लेंगे। अदरक से हमारे चिकन स्टू में बहुत ही अच्छा फ्लेवर आता है। देखिए चिकन को पकते हुए काफ़ी देर हो गई है, चिकन हमारे इसी तरह से अच्छे से गल गया है, लेकिन हमारे बोन के पीसेस जो है अगर वो नहीं गले हैं, तब इसमें मैं 1/2 कप यहाँ पे पानी डाल रही हूँ। चिकन को एक बार अच्छे से मिक्स करेंगे। और इसके बाद इसको कवर करके लगभग 5 मिनट के लिए पका लेंगे लो फ्लेम पर। देखिए 5 मिनट के बाद चिकन हमारा अच्छे से पक गया है।
और इसको फुल फ्लेम पर एकदम ड्राई होने तक इसी तरह से पकाना है। अगर आपको ड्राई पसंद नहीं है तब आप इसमें थोड़ा पानी रख सकते हैं। यहाँ पर चिकन स्टू मेरा बनकर रेडी है। इसके यहाँ पर मैंने एक बोल में सर्व कर लिया है। इसके बाद इसको गार्निश कर देंगे थोड़े से जिंजर जूलियंस के साथ, और ये कुछ हरे धनिया की पत्तियां भी यहाँ पे मैंने चॉप कर ली थी वो इस पे रख देंगे। उसके बाद चिकन स्टू हमारे यहाँ पर बनकर रेडी है। आप इसको घर पर ज़रूर ट्राई कीजिए और कैसा बना ये मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, और वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।